मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, इस चुनाव में हिंदुस्तान के अंदर एक भी राज्य, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस डबल डिजिट सीटें जीत सके। मोदी ने जब जब चुनाव प्रचार के दौरान ये बयान दिया, विपक्ष ने उनका खुला मजाक उड़ाया। बीजेपी को भी जीत की उम्मीद थी, लेकिन मोदी ने जो कहा वो सच कर दिखाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब तक जो मतदान हुआ है, इन मतदाताओं ने दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई। दूसरा काम किया है नई सरकार की मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। लेकिन मोदी ने जो कहा वो सच कर दिखाया। कई राज्यों में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। जिन राज्यों में कांग्रेस की तूती बोलती थी वहां दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच सकी। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस दो आंकड़ों में पहुंची हो। अगर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है तो क्यों नहीं माना जाए ये जीत नरेंद्र मोदी की विशुद्ध जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी की शख्सियत की जीत है। ये मोदी की रणनीति का ही नतीजा है कि कांग्रेस की चुनाव में जितनी दुर्दशा हुई अब से पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। हाल इतना शर्मनाक है कि संसद में विपक्ष का दर्जा पाने के लाले पड़ गए हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में जितनी सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से जीती हैं, उतनी कांग्रेस पूरे देश से भी नहीं जीत पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।